जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह ने नगर निगम कार्यालय के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। वहीं नगर निगम के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों से उन्होंने मुलाकात की और उनकी समस्याओं को महापौर के द्वारा सुना गया। किस प्रकार से शहर के विकास में कार्य किया जाना है, इस बात को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं MIC सदस्यों को चुने जाने को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस विधायकों में गतिरोध देखा जा रहा है, उस पर भी महापौर जगत बहादुर सिंह अनु ने कहा, प्रदेश नेतृत्व द्वारा जिस प्रकार के निर्देश MIC सदस्यों के गठन के लिए दिए गए थे, उसी हिसाब से MIC मेंबर चुने गए हैं। सभी कांग्रेस के विधायकों से उनकी लगातार बात हो रही है। वहीं पार्टी में किसी भी प्रकार का गतिरोध नहीं है। वहीं बारिश के चलते जहां जहां सड़कें खराब है, उनको सुधारने का कार्य भी किया जाएगा, जिसको लेकर निगम आयुक्त को पत्र लिखा जा चुका है। आज इसे नगर निगम के पूरे प्रांगण में निरीक्षण तो नहीं कह सकते, सौजन्य भेंट कह सकते हैं कि हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे एक सौजन्य भेंट सुबेरे में जल्दी आके प्रयास ये किया कि सारे विभागों में जाकर और सारे हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे मिलकर एक सौजन्य भेंट की जाए, उनसे चर्चा की जाए, उनकी परेशानियों को समझा जाए और क्या किया जाना है, क्या किस विभाग की क्या आवश्यकता है उसको एक समझने का प्रयास कर रहे हैं और किस तरीके से हम जो हमारे नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल शहर के विकास के लिए बहुत अच्छे तरीके से हो सके उसके लिए उनकी क्या परेशानी है, उनको क्या दूर करना है, वो भी परेशानियों को समझा और बड़े अच्छे वातावरण में सभी लोग अपनी सीट पर मिले, काम करते हुए मिले और आगे भी ऐसी उम्मीद करता हूं कि सब मुस्तैदी के साथ अपनी सीट पर समय पर आएंगे, समय पर काम करेंगे। हम लोग भी बाकायदा यहां पर उनके लिए उपलब्ध रहेंगे और जबलपुर शहर को अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है, महानगर बनाना है, यही सबका उद्देश्य है। सभी अधिकारी कर्मचारी मिलकर, सारे पार्षद साथी मिलकर हम लोग इसी की ओर प्रयास कर रहे हैं और आज इसी के तारतम्य में सभी से सौजन्य भेंट। जितनी भी सड़कें खराब हुई हैं एक पत्र लिखित में आयुक्त नगर निगम को मैंने भेजा है कि इसे तत्काल आने वाले सप्ताह में, चूंकि अभी डामलीकरण के और दूसरे कार्य शुरू नहीं किए जा सकते हैं, तो तब तक ये कार्य शुरू नहीं किए जा रहे हैं तो हमारे नागरिकों को, राहगीरों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो उसके लिए इनको तत्काल रिपेयर करना, गड्ढे भरने का काम और ऐसे ही रिपेयरिंग हो कि वहाँ पर किसी भी प्रकार के वाहन चलने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, इसके लिए चिट्ठी लिख के और निर्देशित भी कर दिया गया। सारे विधायकों से बात करके ही हुई है और ये हमारे इसमें प्रदेश स्तर से इसमें चर्चा हुई और फाइनल जो सूची आई है वही बना है। अब उनसे भी मेरी बात हुई है, जो माननीय संजय यादव जी से भी मेरी बात हुई है उस विषय को लेकर। वो एक MIC बनाना चाहते थे तो वो अभी जो ऊपर से तय होके आई थी वो MIC बनी हुई है। बाकी विधायकगण और माननीय ऊपर हमारे वरिष्ठ नेता जो है प्रदेश के, वो मिलकर तय कर लें।